तुलसी कौन? वो तुलसी जो अपनी पत्नी के लिए सब पर सवार हो गया, अपनी पत्नी से इतना प्रेम, इतना प्रेम। बाढ़ आई, नदी में देखा पत्नी गई लिबाने जा रही, रात्रि का समय, एक मुर्दे पर सवार हुआ और उस मुर्दे ने, कमाल की बात देखो, इस मुर्दे ने तुलसी को पार कर दिया। जो खुद मर गया, जो खुद मरा पड़ा है, वो किसी को पार कर सकता है? समझने वाली बात, क्या पार कर सकता है? जो खुद ही मरा है वो किसी को क्या पार करेगा? लेकिन मेरे भाई बहन, ध्यान चाहूंगा आपका इस बात पर, ये मुर्दे ने नहीं, तुलसी को राम की कृपा ने पार कर दिया। तुलसी की ही चौपाई शायद इस अनुभव से बनती है, बाबा की चौपाई शायद इस अनुभव से बनती है। तभी तो बाबा ने कहा, जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा, बोलिए राम के होई, जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा सब कोई, ता पर कृपा सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पे राम की कृपा है ना, उस पे मुर्दा भी कृपा करे। जिंदे की बात नहीं कर रहा हूं साहब, मुर्दे की बात कर रहा हूं। समझ में आई कि नहीं, क्या और समझाऊं? अब कहोगे हम पे कृपा क्यों नहीं है, क्योंकि अभी तक हम पे राम की कृपा नहीं। राम की कृपा है हमारे ऊपर, तभी तो उन्होंने हमें मानव बनाया है, लेकिन उससे ज्यादा कृपा हम पावे इस लायक अपने आप को बनाया नहीं। गिव एंड टेक वाला सिस्टम है भाई, मैं तुझे दे रहा हूं तो तू मुझे क्या देगा? राम जी हमको सब देते, लेकिन हमने राम जी को क्या दिया? वो हमें सब दे देंगे, हम क्या दिया उनको? हम भी तो कुछ दें उसको, हम पे टाइम भी नहीं उसके लिए, हम पे टाइम नहीं। आज के व्यक्ति के पास में हर जगह जाने के लिए समय है, लेकिन भगवान के कथा पंडाल में जाने, तीर्थ में जाने, मंदिर में जाने के लिए टाइम नहीं। कोई शादी मिस नहीं होती, कोई पार्टी मिस नहीं होती, घूमना फिरना मिस नहीं होता। अगर मिस होता है तो भगवान का कथा पंडाल मिस होता है, अगर मिस होता है तो हमारा मंदिर जाना मिस होता है, अगर मिस होता है तो भगवान की सुबह सुबह की पूजा हमसे मिस होती है। अरे किसी दिन खाना मिस हुआ, और खाना जिस दिन मिस होता है उस दिन कितने लोगों को बोलते हैं, अरे आज तो सुबह से भैया भोजन तक नसीब नहीं। घर वालों को सुना सुना के मार देते, ताने मार मार के, अरे तुझे पता ही सुबह से कुछ नहीं खाया तो खा लेता, गाड़ी में आ जा रहा था कुछ मंगा लेता, खा लेता मैं, सुनाने वाली कौन सी बात। लेकिन जिस दिन हम भगवान का भजन नहीं करते, कभी किसी को सुनाया आज तो हमसे भगवान का भजन नहीं हुआ, आज हम ठाकुर जी के मंदिर नहीं गए, आज हम भगवान की कथा में नहीं गए, आज हमारे लिए बुरा दिन है, कभी कहा है? क्योंकि ये हमारी नजरों में कोई मायने नहीं इस चीज का, इन चीजों का मायने नहीं है। हमारी चीज का मायने भोजन, पेट भरना चाहिए, गड्ढा भरना चाहिए। ये गड्ढा नहीं है तो क्या है साहब, कितना भी भरो खाली रहता है, सुबह से शाम सूट क्या भरे जाओ भरे फिर भी खाली, दिन में 6 बार भरते फिर भी खाली, आग जल रही अंदर, ज्यादा नहीं मिलती तो अंदर से ऐसे लगता है जैसे कोई हम ही खा रहा है, लगता है ना, हाँ या ना? ये गड्ढा ना किसी का भरा ना भरे, लेकिन सोच कुछ ऐसा जिससे गड्ढा ही ना मिले। कर भगवान को याद इतना जिससे तुझे इसके लिए तड़फना ना पड़े।
इतना अच्छा नेक कर्म कर, अगर याद करना है तो मेरे प्रभु को याद कर, मेरे प्रभु की याद कर। इस पंडाल में आना मिस हो जाए तो अपने भाग्य को दुर्भाग्य में बदलने की, इस भाग्य को कहे मेरा भाग्य बुरा आज। एक सेठ दुकान पर बैठे नोट गिनते जा रहे। आज सेठ ने बहुत अच्छा व्यापार किया था, ढेर सारे व्यापारी आए थे आज सेठ जी के दुकान पर, बहुत पैसा आ गया, बहुत सुबह से शाम हो गई, लेकिन सेठ जी ने भोजन नहीं किया, चाय तक पीने को नसीब नहीं हुई, इतने कस्टमर अटेंड करने पड़े। और जैसे ही शाम को जाने लगे, भूख और प्यास तो थी ही नहीं, नोट संभाल लिए थे, लेकिन शाम होते 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 अटैक पड़ा, हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने कहा आई एम सो सॉरी। अब इन गड्डीन को कहा होगा, मैं तो ये सोच रहा हूँ, ये जो सुबह से दोपहर हो गई, सांझ हो गई और ये तो विदा हो गए, अब इन गड्डियों का क्या होगा, अब खाएंगे बच्चे और 10-5 दिन वो भी परेशान रहेंगे, आप तो मरा हमारी और रोटी ले गया। लोक रीति है, निभानी पड़ती है, रोना ना आए तो भी रोना पड़ता है, रोना पड़ता है कि नहीं, और जब जब कोई मिलने आ जाए तब तब सुना सुना के ज्यादा रोना पड़ता है। दे मरा वो हम क्यों रोए, हमें तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए जो मर गया है भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। पता नहीं क्यों रोते लोग, रोते रो फिर अच्छा है। खैर वो एक सिस्टम है, एक लोक रीति है, एक दुख भी वो जो भी होता हो, लेकिन मेरा अभिप्राय यह है कि सुबह से शाम तक सिर्फ नोट कमाए, किस लिए, रोटी खाने के लिए, लेकिन रोटी ही मिस कर दी, भोजन ही मिस कर दिया। भाई धन खाया तो नहीं जाता, धन कमाया जाता है इसलिए कि अच्छा खा लिया जाए, और वही कमाने के चक्कर में मिस कर दिया जाए, तो बताइए धन बड़ा कि अन्न बड़ा, क्या बड़ा है? नोट तो खाएंगे नहीं, खाना तो अन्न ही है, अन्न खाना है तो भाई जिसके लिए कमा रहा है वो तो खा। और एक और चीज, ये तभी जब संभव, ये बुद्धि विवेक के विचार तभी आते हैं जब राम की कृपा होती, राम की कृपा जब होती है ना, सब तुम्हारा साथ देते हैं, सब तुम्हारा सपोर्ट देते हैं, और जब राम की कृपा नहीं होती तो सब तुम्हारे खिलाफ होते। सही है गलत है? मुर्दा भी कृपा कर रहे, मुर्दा भी, मुर्दे ने तुलसी को पार कर दिया, अब पत्नी सो रही है ऊपर छत पे, अब पत्नी से बात करना है, दरवाजा खुलवाएंगे तो पत्नी से बात नहीं होगी, बहुत बहुत तो दीवाने थे अपनी पत्नी का तुलसीदास बाबा, अब जाना चाहते ऊपर, मैं जाऊंगा बात करूंगा, लेकिन बात होगी तब जब दरवाजे से नहीं जाऊं, पीछे से चढ़े, पीछे रस्सी लटक रही है, पीछे एक रस्सी लटक रही, उसको पकड़ा और चढ़ गए। अब वो रस्सी तो है नहीं, आप सब जानते हैं सांप है। अब मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, आप सांप को पकड़ के चढ़ सकते हो? वो चढ़ने देगा? चढ़ने देगा वो? लेकिन सांप कुछ कर ही नहीं रहा, तुलसी ने उसको पकड़ा, बाबा चढ़ने लगे, बाबा चढ़ रहे हैं, सांप कुछ कह ही नहीं रहा, बल्कि सांप ने तो एक काम और कर दिया, जहां से सांप ने शुरू में पकड़ा हुआ था ना, उसको और कस के पकड़ लिया। क्यों? शायद राम ने विचार दे दिया होगा ये नीचे गिर ना जाए, आज तुझे ये मंजिल पार करानी है इसकी, इसको मंजिल तक पहुंचाना है तुझे, क्योंकि तू जानता नहीं आने वाले समय में ये मेरा बहुत बड़ा भक्त बनेगा, इसलिए तुझे सावधान रहना है। और वो सर्प अपने भक्त की भक्ति में, भगवान के भक्त की भक्ति में लग गया, ऐसा लगा कि सांप को पकड़ के तुलसी चढ़ रहे, लेकिन सांप ने उस मुड़, वो जो होते ना छत का जो वो ऊपरी पार्ट जो होता है उसको, हमारे ब्रज में तो मुड़गेली कह दे, वाते तुम्हारे यहां जो भी कहते हो हैं, क्या कहते हैं, मुड़ेल मुड़ेल मुड़गेली और जो, और तो समझ गए ना जो मेरा भाव है,
उस सांप ने उसको कस के पकड़ लिया, ईंट ईंट से होगा, अब वो वहां से रक्त रंजित हो गया, रक्त बहने लगा सांप में से, लेकिन उसने उसको दीवाल को छोड़ा नहीं, दीवाल के उस छोर को पकड़ के रखा, कहीं राम भक्त को चोट ना जाए, आज अगर मेरा बलिदान होता है तो हो जाने दो, लेकिन राम भक्त को अपनी मंजिल पर पहुंचने से आज रुकना नहीं चाहिए। और वो सांप भी राम भक्त की सेवा में लीन हो गया, सांप लीन हो गया। सोचिए हम कौन से देश में रहते हैं, हम उस देश में रहते हैं जहां सांप भी भगवान की भक्ति करते हैं। शेष अवतार लक्ष्मण है मौजूद, देखिए ना, बानर भी राम की सेवा करे, पक्षीराज जटायु को आप भूल सकते हैं या मैं, कौन भूलेगा, जड़ चैतन्य सब राम की सेवा करे। और अगर हम मानव होकर भी राम की सेवा ना करें तो हमारे मानव होने पर धिक्कार है, और ऐसा मानव मानव नहीं, ये मानव शैतान है जो राम की भक्ति नहीं कर सकता, जो राम के काम नहीं आ सकता, जो राम का भजन नहीं कर सकता, वो इंसान इंसान नहीं, वो इंसान नहीं शैतान है। अपनी आत्मा से पूछो, यह सांप राम की सेवा करे, बंदर राम की सेवा करे, पक्षी राम की सेवा करे, पृथ्वी का एक एक कण राम के दर्शन से प्रफुल्लित हो, और हम लोग इंसान होकर भी पीछे। सांप चढ़, सांप को पकड़ के चढ़े, सांप सेवा में लीन, लेकिन जब पत्नी ने डांट दिया, देख देख ऐसे प्रेम को, आठ मास का पुतला जिससे इतना प्रेम करते हो, मुर्दा दिखा नहीं, नदी का पानी दिखा नहीं, सांप दिखा नहीं, और इसको देखे बगैर मेरे पास चले आए, धिक्कार है तुम्हारे प्रेम। हाड़ मास के पुतले से प्रेम करते हो, जिस दिन मैं मर जाऊंगी, जिस दिन मैं जल जाऊंगी, उस दिन प्यार कर पाओगे मुझे। तुलसी का सोया हुआ ज्ञान जागृत हुआ, और तुलसी ने उसी समय घर छोड़ दी, तब पहुंचे हनुमान की शरण, और हनुमान जी से कहा राम दर्शन कराओ। हनुमान जी ने कहा तुझे राम मिले, जा, यहां नहीं, यहां नहीं मिले, चित्रकूट चला जा। अब काशी से चित्रकूट जा रहे हैं, लेकिन मन में एक शिव, मुझे शंकर दर्शन भी चाहिए, और वो हुआ नहीं अभी तक। अब वो चाहते हैं कि मुझे शंकर बाबा का दर्शन हो जाए कैसे भी, अब वो हुआ नहीं है, तो नाराज होकर जा रहे हैं। तब शंकर बाबा प्रसन्न हुए, और शंकर बाबा जब प्रसन्न हुए, शंकर बाबा ने कहा वरदान मांगो। तुलसी ने वहां पर भी एक ही वरदान मांगा, क्या, मुझे राम दर्शन चाहिए।